हाय गाइस, मेरा नाम तुम आप सब देख रहे हो आपके जनरल डिप्टोनेशन को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सिक्योर योर फेसबुक अकाउंट ऑन 2023, क्योंकि 2023 पे फेसबुक हैकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आप लोग एज ए यूजर, आप लोग एज ए क्रिएटर, कैसे आपके फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज एंड ग्रुप्स को 100% सिक्योर करके रख सकते हो। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे आप लोगों को मैंने बारीकी से समझा दिया था किस तरीके से 2023 पे फेसबुक पेजेस, फेसबुक अकाउंट, फेसबुक ग्रुप्स हैक हो रहा है। अगर अभी तक आपको वो पता नहीं है तो ये वीडियो एंड होने के बाद आई बटन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लेना। मगर आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आपके आईडी को, आपके पेज को, आपके ग्रुप्स को सिक्योर करके रखना है। दोस्तों 2023 पे अभी जो सबसे लेटेस्ट तरीका है स्पैमर के द्वारा, हैकर के द्वारा, वो है कि जैसे ही वो लोग आपके आईडी को हैक कर लेता है, उस आईडी से उन आपका जितने भी पेजेस रहेंगे उसको उनके आईडीज पे शिफ्ट कर लेते हैं और उसके बाद तुरंत आपके आईडी को डिसेबल करने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए हैकर जो तरीका आजमाता है वो है कि आपका जो आईडी है उस पर कम्युनिटी के अगेंस्ट जाके कुछ पोस्ट कर देंगे, जिसके वजह से आपके आईडी को फेसबुक डिसेबल कर देता है। और बाद में जब आप आईडी प्रूफ भी डालते हो उसके बाद भी आपका आईडी परमानेंटली डिसेबल होता है। और ये हैकर लोग क्यों करते हैं, ताकि आप आपके आईडी को एक्सेस ना ले पाओ, क्योंकि आईडी को अगर एक्सेस ले पाते हो सकता है आप लोग पेज को भी रिकवर कर लो उस आईडी को यूज करके मेरे बताए गए तरीके से। तो वो भी हैकर अब नहीं चाहते हैं, जिसके वजह से जैसे ही पेज हैक कर लिया जाता है उसके बाद तुरंत आपके आईडी को हैकर द्वारा डिसेबल करने की कोशिश किया जाता है। अब आपको ये समझना है आप कैसे आपके आईडी को सिक्योर कर सकते हो या फिर आपके पेज को सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल हैकर का जो मेन टारगेट होता है वो होता है आपके पेज। तो आपके पेज को सिक्योर करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पेज पे एड अकाउंट के द्वारा एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करके पेज को ऐड करके रखना है। उसको कहा जाता है फेसबुक पे ओनरशिप। अगर नहीं आता है वीडियो चैनल पे मौजूद है कैसे फेसबुक पे आप आपके पेज का ओनर बन सकते हो, वो आपको बन के ही रहना। उसके बाद जो दोस्तों दूसरा चीज है वो है कि आपके पेज पे सिर्फ एक या दो एडमिन मत रखो, 3-4 एडमिन रख दो डिफरेंट डिफरेंट फेसबुक प्रोफाइल आईडी से, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फेसबुक अकाउंट से आप आपके पेज पे एडमिन रोल पे आ जाओ। उसके बाद 2-3 आईडी से आप आपके पेज का फाइनेंशियल एडमिन भी बन के रहो। एडमिन और फाइनेंशियल एडमिन अलग होता है। एडमिन यानी कि पेज पे फुल कंट्रोल रहता है, एडिट कर सकते हो, पोस्ट डिलीट कर सकते हो, कोई भी ऑल्टरेशन है, चेंजेस है वो कर सकते हो, यानी कि पेज का फुल कंट्रोल। मगर जो फाइनेंशियल डिटेल होता है, जो आपके बैंक डिटेल एडिट, बैंक डिटेल अपडेट, पेमेंट जहाँ पे आएगा, उसके लिए आप आपके पेज का फाइनेंशियल एडमिन होना पड़ता है। और वो होता है आपके पेज सेटिंग पे जाके, पेआउट के अंदर घुस के सेटिंग ऑप्शन पे जाके नीचे एक अपडेट फाइनेंशियल एडमिन का ऑप्शन रहता है। तो 2-3 आईडी से जो आईडी आपका सिक्योर आईडी हो, यानी कि फेसबुक अकाउंट जो सिक्योर हो, उस अकाउंट को आप फाइनेंशियल एडमिन बना के रखो, ताकि अगर किसी भी तरीके से हैकर को आपका एक आईडी का एक्सेस मिल जाए तो दूसरे आईडी से आप फाइनेंशियल एडमिन बन के रहो, आप दूसरे अकाउंट से एडमिन बन के रहो, ताकि एक आईडी डिसेबल भी हो जाए तो दूसरे आईडी से आपके पास एक्सेस हो तब तक, ताकि आप कुछ कर पाओ। अगर रिमूव भी कर दे मगर आईडी का एक्सेस आपके पास रहेगा तो भी आप उस आईडी को यूज करके मेरे बताए गए तरीके से आप पेज को रिकवर कर सकते हो। मगर आपका मेन आईडी अगर डिसेबल हो जाता है और पेज कोई दूसरे आईडी से लिंक ही नहीं रहता है एडमिन एडिटर रोल पे, तो आप फेसबुक पे जाके बात ही नहीं कर पाओगे, आप उस आईडी के थ्रू भी पेज को एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास आईडी ही नहीं रहेगा। जब आपका पास फेसबुक आईडी नहीं रहेगा तो आप कहां पे जाके कैसे रिपोर्ट करोगे और फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि आप ही उस पेज का ओनर थे, एडमिन थे, एडिटर थे। तो इसके लिए अभी अगर 2023 पे आपको पेज को सिक्योर करके रखना है तो पेज का ओनर खुद बन के रखो, पेज को 2-3 आईडी से
एडमिन बना के रखो और पेज को 2-3 आईडी से फाइनेंशियल एडमिन भी बना के रखो, तो आप 2023 पे आपके पेज को, आपके अकाउंट को सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि अभी जो नया ट्रेंड आ रहा है उस पे मैक्सिमम अकाउंट को डिसेबल कर दिया जाता है हैकिंग करने के बाद, तो आपके पास आईडी का कोई एक्सेस नहीं रहता है और उसके वजह से आप लोग जो है बाद में जाके आपके पेज को रिकवर नहीं कर पाते हो। और बाकी जो तरीके होते हैं लिंक पे क्लिक करना, वो पुराना हो चुका है, अभी भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उससे भी आपको बच के रहना है। लिंक पे क्लिक नहीं करना है बिना सोचे समझे, वो भले फेसबुक के थ्रू ही आया है ऐसा आपको क्यों ना लगे, क्योंकि फेसबुक कभी भी आपको कोई लिंक नहीं भेजता। फेसबुक को कोई डिसीजन लेना है तो वो लोग खुद ले लेगा। और स्पॉन्सरशिप के बहाने भी कोई लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है। अगर किसी को स्पॉन्सरशिप देना है तो आपके बैंक डिटेल पे सीधा पैसा भेजने के लिए बोलो, जैसे ही आपके बैंक डिटेल पे पैसा आएगा तब आप आपके जो भी वीडियो है उस पे वो ब्रांड का थोड़ा बहुत प्रमोशन कर देना है, मगर कहीं से भी कोई लिंक फिंक पे क्लिक नहीं करना है। पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, बाकी आपके सिस्टम के अंदर आप जो भी डिवाइस यूज़ करते हो उस पे कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कोई भी गेमिंग सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी तरीके से जो गैम्बलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उसको इंस्टॉल मत करो। इवन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल मत करो, क्योंकि उस फ्री वर्शन जो आप लोग इंस्टॉल करते हो उसके थ्रू मालवेयर आपके डिवाइस पे, आपके सिस्टम पे घुस जाता है, जिससे भी बहुत सारे पेजेस, बहुत सारे अकाउंट कॉम्प्रोमाइज होके हैक हो जाता है बिना पासवर्ड शेयर किए, तो इससे भी आपको बचना है। तो ये चीज़ें अगर ध्यान पे रखोगे और इन चीज़ों के ऊपर अगर वर्कआउट करोगे तो कोई भी बंदा 2023 पे आपके पेज, आपके अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा। उसके ऊपर से एक बोनस टिप ये है कि अगर मान लो कोई भी एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है किसी भी माध्यम से, वो भी आपको नहीं करना है। अगर आपके पेज पे, आपके इनबॉक्स पे, आपके अकाउंट पे कोई भी जिप फाइल भेजा जाता है जहाँ पे आपको क्लिक करवाने के लिए क्लिकेबल फोटो ही ऐड करके भेजेगा अटैचमेंट पे, लड़की का पिक्चर लगा देगा, तो आप लोग ऐसे जोश खोश में कर दोगे क्लिक और फिर तो 12 बज जाएगा। वो सब चीज़ों से आपको दूर रहना है, तो ही आप आपके अकाउंट को, आपके पेज को, आपके ग्रुप को 2023 पे भी सिक्योर रख सकते हो। होप गाइस आज के ये वीडियो जिन भी भाई लोगों ने देख लिया होगा उनका आईडी, उनका पेज, उनका ग्रुप कभी भी ज़िंदगी में हैक नहीं होगा। ऐसे ही अगर आपको अपडेट और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल पर नए आए हो तो कभी भी आप लोग अगर फेसबुक से अपडेट आपको चाहिए होगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल मत जाना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मेरा नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे आप तक पहुंचता रहेगा। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक भी कर दो। मिलता हूं न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं भी आपका दोस्तों, बाय।